पर तेरा पेट इतना निकल गया ना अब, और सब लोग ना मैसेज करने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलने लगे। मोटी हो गई वो, इनका इतना पेट निकल गया। मोटी अब तो ना, बहाने बना लो कुछ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रैशन डज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। थोड़ी बस सो रही है, काना भी सो रहा है। काना देखो स्कूल अभी ऑफ चल रहे हैं, उनके एग्ज़ाम वगैरह हो गए हैं, मतलब एग्ज़ाम नहीं, उनके क्लासेस ऑफ है, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे ये। और दीवा की तबीयत ख़राब है, रात भर फीवर रहा है उसको, वॉमिट और लूज मोशन। अब सुबह उठे मैं अभी बना लेती हूँ खाना फटाफट से। फिर आज मैं सोची थी, मैंने जैसे अभी लास्ट ब्लॉग में बताया ना, नवरात्रों की तैयारी कर रही थी, चिप्स वगैरह बनाने हैं मुझे, तो देखती हूँ टाइम मिलेगा तो, वरना खाना तो बना ही लेती हूँ, उसको डॉक्टर के लेके जाना है। सो गाइस, डॉक्टर के जाने से पहले मेरे को अपना काम जो भी मेरा होता है खाने का काम, वो मैं कर रही हूँ। फटाफट आज बना रही हूँ छोले, तो छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें मैंने डाले हैं कसूरी मेथी, किचन किंग, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा मसाला, हींग, और सबसे मेन इसमें होता है अनारदाना और छोले मसाला, उसी से कलर आता है। हल्दी मैंने अवॉइड करी थी, बिल्कुल भी नहीं डाली, और बीच बीच में मेरा थोड़ा थोड़ा काम होता रहता है, वो भी मैं देख रही थी। तो काफ़ी अच्छी ग्रेवी बनी, थिक देखिए ब्राउन कलर आ गया, और बिना खड़े मसाले वगैरह डाले तो इससे बहुत अच्छा कलर आ गया नॉर्मल इन्हीं मसालों से। काफ़ी अच्छी रेसिपी बनी, खाने के बाद बहुत टेस्टी लगी थी सबको। तो यहाँ मैंने ऊपर से छोले निकाल लिए अलग, अब इनको मैं प्याज टमाटर डाल के अगर देखूँगी बनाऊँगी तो। सो गाइस, दीवा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अभी इसको लेके जा रहे हैं हम डॉक्टर के हॉस्पिटल। सो देखते हैं क्या होगा, बताएंगे डॉक्टर। यानी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रखी है हमारी लड़की। हाँ, हाय कर दो शक, हाय, हेलो हेलो, चले। सो हम चल दिए, अभी रास्ते में से काना के पापा को लेंगे, और इतने मैं उनको कॉल कर रही थी, इसका पूरा ध्यान वहीं पे, कितनी इंटरेस्ट लेती है लड़की फ़ोन में, मुंह खुल रहा है हाँ हेलो करने के लिए। इसका और बनी का सेम हाल है, एक साथ दोनों के टीथ निकल रहे हैं, मुंडन हो रहा है, सो कई कई चीज़ों की वजह से दोनों काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए, काफ़ी ज़्यादा वीक होती जा रही है डिबू। और अब इसने ऊपर वगैरह का जैसे टॉप फीड लेती थी वो कम कर दिया, मेरे ही फीड लेती है, उससे इसका तब पेट वगैरह भरता नहीं है। तो देखो बीमारी से जब थोड़ी रिकवर होगी तब इसका शुरू करेंगे। सो हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल, अभी इसका बारी नहीं आई थी इतने अभी, तो यहाँ पे ये खेल रही थी अपने पापा के साथ, थोड़ी मस्ती कर रही थी, रोने लगी। ऊपर वाले से हैंडसम भाई मांगा था, शायद थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हैंडपंप जैसा भाई मिल गया। तो आजकल ये बीमार हो गई है, और बड़े से लेके छोटे तक सब इसको इस तरह से पैम्पर करने में लगे हुए हैं, बस किसी तरह ये खुश रहे। सो गाइस, हम लोग दीवा को लेके आ गए हॉस्पिटल से, अब उसकी तबीयत ठीक है, और दवाई वाई लेके चली गई बुआ के घर, चाय पी रहे हैं अभी हम। तो कितनी भूख लग गई आज? बहुत ज़्यादा। कैसे बने छोले? छोले बहुत अच्छे बने, बहुत स्वाद, मुझे छोले पसंद है, मुझे मटर पसंद है, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये सब्जी वाले जो मैंने आज सुबह बनाए, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, और सिंपल ही है ना, ज़्यादा कोई मसाले भी ना हो, सिंपल अच्छे हैं, सिंपल नमक मिर्च डाले हूँ, जीरे में चटनी सब्जी, टमाटर प्याज डाले हूँ बस, और कुछ नहीं ना। वक्के अलावा में छोले मसाला भी है, अनारदाना भी है, अनारदाना का पाउडर भी है, ऐसे इतने भी सिंपल ना, पर मतलब बहुत ज्यादा वाले मसाले नहीं है, सिंपल अच्छे लगा, ये भी अच्छा लग रहा है, सिंपल अच्छा लग रहा है। जो खड़े मसाले डालू ना कभी कभार, वो ना डाले आज, तेज पत्ता वगैरह, खड़े मसाले, चाय पत्ती या कुछ काला रंग करने के लिए, बाकी सब कुछ नहीं, सिंपल बिल्ली।
अपने शूट की वजह से थोड़ा लेट हो गई थी और दीवा की वजह से मुझे भी टाइम नहीं मिला कि मैं खाना बना दूं, वरना ऐसा होता कि जैसे हमें जो फ्री होता है वही बना लेता है। वैसे तो रात की ड्यूटी उसके, बट ऐसा नहीं कि वो रात में बना दी, कई बार मैं सुबह बिजी हूँ तो दिन में वो बना देती है, रात में मैं बना देती हूँ, ऐसे कर लेते हैं जिसको जैसे टाइम लगता है। तो आज दीवा बहुत ज़्यादा परेशान सी थी तो मम्मी और मैं उसको संभाल लेते हैं, फिर खाना दी ने बनाया, फिर मैंने दीवा को पकड़ाया, मम्मी को बर्तन वगैरह साफ करे। तो आज मेरा प्लान था कि अगर मतलब कल था प्लान कि अगर ये ठीक रहेगी तो आज मैं चिप्स बनाऊंगी नवरात्रों के लिए, क्योंकि धूप इसी मौसम में ना मैं जा सकती हूँ, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो सुबह सुबह का काम है, बट सुबह क्या रात भर इसको वॉमिट नहीं, तो सुबह इसको कल आज डॉक्टर के ले गए, तो पूरा दिन ऐसे गया। आप देखते हैं नेक्स्ट, कल मॉर्निंग में मैं डॉक्टर के तो जाना नहीं है, टाइम मिलेगा और उसकी तबीयत ठीक रही तो चिप्स बना लूँगी, और घर के सबसे बेस्ट होते हैं। सब सो गए हैं, दीवा भी सो गई है, उसको मेडिसिन वगैरह दे दी थी, सोचा कि चलिए मैं भी सो जाती हूँ, बट उससे पहले अपना फेस क्लीन करना जरूरी है, उसकी तबीयत खराब है ना, तो दिन में एक मिनट का भी टाइम मिल रहा है जब अपना फेस क्लीन करूँ, तब मैं फेस वॉश करूँगी, मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, मैं सो जाऊँगी, फिर सुबह उठ के अपना रूटीन शुरू करूँगा। सुबह मुझे बहुत सारा काम है, मैं मतलब सोच रही हूँ कि करूँ कुछ कुछ, बट देखो जैसे दीवा की तबीयत आई थी, तो फिलहाल मैं कर लेती हूँ अपना फेस वॉश। ये है मेरे पास हनी मलाई फेस वॉश, आपने देखा होगा मैंने पूरी सर्दियों में इसको अप्लाई किया है, क्योंकि सर्दियों में इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, अब वरना सर्दियाँ ज़्यादा ज़्यादा मुझे इसकी स्किन अपनी स्किन पे इसकी ज़रूरत ऐसा मतलब फील होने लगी है कि हाँ ये इतना अच्छा मॉइस्चराइजर है, बिना स्किन को ड्राई करे हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से एक तो क्लीन कर देता है ये फेस वॉश और मॉइस्चराइज करता है। सो गाइज़ ये है मामा अर्थ का हनी एंड मलाई फेस वॉश, ये हमारी स्किन को जेंटली क्लीन करेगा, स्किन से सारे डर्ट और जर्म्स को निकाल देगा बिना स्किन को ड्राई किए हुए, तो ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगा। इसमें गुडनेस है, इसमें हनी की गुडनेस है, साथ में है मलाई की गुडनेस, ये स्किन को स्मूथ लाइट और ग्लोइंग फील कराएगा। इसका जो क्रीमी टेक्सचर है वो बहुत ही लाइट सा फॉर्म क्रिएट करता है जो जेंटली स्किन को क्लीन करता है। इसमें है हनी है जो कि स्किन को प्योरीफाई करता है, और मलाई है जो स्किन को स्मूदन करने में हेल्प करती है। सो यहाँ मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया। हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है, बहुत सारे लोग सोचते हैं हनी मलाई होगी तो बहुत ज़्यादा चिपचिप होगी, पर नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा नॉन स्टिकी है और ये बहुत ही अच्छा सा नरिश करता है स्किन को, एक हेल्दी ग्लो देता है विदाउट एनी चिपचिप। सो डेली नरिशमेंट के लिए आप इसको स्किन पर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं और डेली यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट है मामा अर्थ के, मामा अर्थ आपको पता ही है एक इंडियन ब्रांड है जिससे कि आप परचेज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। मामा अर्थ ने 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का इनिशिएटिव लिया है, सो इसके लिए आप नेचर के लिए काफ़ी अच्छा कॉज है, तो इसलिए भी आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट, मामा अर्थ डॉट इन पर, पर्पल, इन सब पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आजकल मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं आपके नियर बाय स्टोर पर, तो जहाँ आपको दिखे मुझे बताना ज़रूर आपके आसपास कहाँ आपको मिला और आपने क्या परचेज करा। मामा अर्थ ने अपना ऐप लॉन्च करा है जो कि अवेलेबल है एंड्रॉयड एंड iOS यूज़र्स के लिए, और मामा अर्थ की ऐप से परचेज करने पर आपको मिलेगा 20% तक एक्स्ट्रा ऑफ, तो आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं मेरे दिए हुए लिंक से जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो वहां से जाके चेक करिए और फटाफट से परचेज करिए इन्हें। पर तेरा पेट इतना निकल गया ना अब, और सब लोग ना मैसेज करने लगे, कांग्रेचुलेशन भी बोलने लगे। मेरे पेट नहीं प्रेग्नेंट है क्या कह रही, छुपा के रही, हम तुम्हारी फैमिली है बता सकते हैं, जल्दी शेयर करेंगे आपके साथ। अच्छा पब्लिक है, तू कब तक पागल बनाएगी? ना सभी कह रहे इतनी मोटी हो गई वो, इनका इतना पेट निकल गया। मोटी अब तो ना, और कल के ब्लॉग में तो कितने कमेंट आए, मैंने क्या पता ना लोगों ने किया, जो कल जो सूट पहन के पर्पल सा वो थोड़ा वैसा है ना टाइप सा है उनको ने मेरे बहाने बनाना कुछ पागल हो गई ऐसी।
आज बना रहे हैं हम आलू के चिप्स। मैंने लेनी है सिर्फ 5 किलो आलू, इनको धो लेंगे अच्छे से। अभी आए हैं बड़े वाले आलू हैं तो इनके चिप्स बनाने हैं फास्ट के लिए, नवरात्रों के लिए। तो पहले स्टार्टिंग में मैंने 5 किलो आलू मंगाए, मैंने सोचा बहुत रहेंगे इतने, बट जब मैंने मंगाए के देखे तो ये बहुत थोड़े लगे, लगा इनमें कि अरे इतनी मेहनत जाएगी और 5 किलो आलू से होना ही क्या है। फिर मैंने और 3-4 किलो आलू ऐड करे, मतलब 10 किलो से तो थोड़े कम थे, बट हाँ 8-9 किलो आलू के हमने चिप्स कर लिए थे। तो पहले स्टार्टिंग में 5 किलो ही आए, इतने दोबारा आए तो फिर उनको मंगाने में टाइम लगा, वो भी आ गए थे और हमने एक साथ ही कर लिया, उनको छीला। फिर मैंने अपनी नंद को बुला लिया तो इन्होंने भी साथ में हेल्प करवाई, तो छिलवाए करवाए, क्योंकि डीवा की आपको पता ही तबीयत ख़राब है उसके साथ, तो मतलब एक जना कर ही नहीं सकता, अगर मैं खुद से कोशिश करूँ तो नहीं। हाँ दीदी भी फिर लगी साथ में, मैंने कहा तू कर, वो उसको मैंने पकड़ा डीवा को, तो दोनों नंद भाभी उनको आराम से फटाफट छील रही हैं। फिर इनको हम कसेंगे और इसका जो आलू कसने वाला जो चिप्स होता है ना, जो उनको निकालता है, एकदम नया मंगाया, क्योंकि जो घर पर रखा था ना ये बिल्कुल ख़राब था, और जो नया था ना उससे इतने अच्छे, और मतलब मुश्किल से इतने सारे आलू हो गए, 10 मिनट लगे होंगे उनको निकालने में, फटाफट फटाफट निकल गए और बहुत ही अच्छे बने। या थोड़ी देर तो पहले यहीं कर लेते, फिर बाद में धूप में कर लेते ना, फिर वहां धूप लगी चलो।
गाइस हमारे बन गए हैं पापड़, पापड़ नहीं क्या चिप्स, आलू के चिप्स बता कौन है, और ये खा रही है बैठ के मजे से आलू के पराठे। और कुछ ने बनाया पराठा, पराठा कह रही बेचारी बहू इतनी थक गई इनकी सेहत होना जाएगा, देसी घी के पराठे खिला रही है, पता ना कहा करवा रही है। ले लो आप, मैं ठंडी पीऊंगी चाय। यम्मी पराठे विद चटनी, स्वाद ही आ गया भाई। हाय गाइस, कहाँ जा रहे हो गाइस आज आप लोग बताओ। गाइस को फिर से टक्कर लगाने वाले, गंजी लड़की फिर से गंजी कैसे हो सके मुझे यूँ बताओ। हाँ बुआ, गंजी लड़की फिर से गंजी कैसे करो उसको तुम। दादी ने बोली हुई मैंने की बोली अब चल रही क्यों नहीं है तुम, यही 12 बजा लो। क्या होगा अभी पति है बाथरूम में अम्मे मम्मे सब राजी हैं, मेरे पापा ही नहीं चल रहे हैं, हंस रहे हैं पता ना क्यों। दादी क्या होगा, बहुत बढ़िया मेंबर है मीम्स, मीम्स आने देखो आर्टिस्ट आर्टिस्ट। बेटी कहता गुस्सा कर, गुस्सा कर दियो, गुस्सा कर तेरे बेटे का लंदन जा रहा है तेरे तो है ना, जब कोई पाड़ेगा तो पाड़ा डाल ले, तू पहले मान ले मुझे, तू पहले ये थोड़ा थोड़ा पीट लो। सुख शांति दे माता सीता। चलो खुद लगे ना भाई इसको, कान के पास हैं थोड़े से। चलो 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 चलो
मैं तो मीठी को खिला रही हूँ, मेरे बेटा तो मीठी है, मैं इसको ही खिलाऊंगी, मैं तो मीठी को ही खिलाऊंगी बस। मैंने खिलाई जीनू को, और मोने बता किसकी है आपने बोली दोनों भैया ने कर दिया इनका तो अपनी अपनी हो सका है ये किसकी है ये दो थाली करवाई ना एक चाची एक मनीषा की है दाल चावल करवाए चाची ने तो चावल है लोकल हद करो कुछ भी लेने से मतलब नहीं ब्लॉग में नहीं लेने ले आया लाने में शर्म नहीं है ब्लॉग में दिखाने में शर्म है जी नहीं है बेइज्जती करेंगे अगर खाना की बेइज्जती मैंने गई ना इसको पीकू को दे दियो जब पीकू आई जब रख ले यार ये गर्ल्स का है पीकू के साथ खेलियो पीकू आई और खतरा जरा सेटअप भी साथ ही है मैं जीनू को देना चाहता हूँ